दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं एक और नए एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इस आईपीओ में आखिर क्या करना चाहिए। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो दोस्तों यहां पर 2015 में कंपनी बनी थी, यानी कंपनी के प्रमोटर्स को करीब 8 साल का अनुभव यहां पर है। और इसके कामकाज की अगर हम बात करें तो यहां पर कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम ये कंपनी देखती है। और फिलहाल देखा जाए तो ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल काफी ठीक ठाक है। 2021 में इनकी एसेट वैल्यू 3,807 लाख के आसपास रही थी, वहीं 2022 में ये बढ़कर 6,370 लाख हो गई, 2023 में 8,017 लाख के आसपास होती हुई नजर आई, यानी कि लगातार साल दर साल पिछले 3 साल से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल से रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स 187 लाख के आसपास 2021 में, 2022 में 310 लाख के आसपास और 2023 में मार्च तक देखें तो 550 लाख के आसपास इनका प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। और दोस्तों जून तक अगर बात करें तो 120 लाख का प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में जून तक कंपनी करती हुई नजर आ रही है, यानी प्रॉफिट्स भी लगातार पिछले 3 साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ठीक ठाक देखने में फाइनेंशियल लग रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल्स की तो ये आईपीओ 28 तारीख से 2 जनवरी तक ओपन रहेगा। अप्लाई करने के लिए 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है, 51 से 54 रुपए यहाँ पर प्राइस रखा गया, यानी 54 रुपए में आपको एक शेयर मिलेगा। 2000 का एक लॉट रखा गया है। और दोस्तों इश्यू साइज की बात करें तो 15.93 करोड़ का ये टोटल इशू है। एसएमई आईपीओ है, बुक बिल्ड इशू है, एनएससी एसएमई में आईपीओ लिस्ट होगा। और दोस्तों रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35% का रिजर्वेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें कि कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी को क्यों पैसों की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये 2 कारण कंपनी ने बताया जिसके कारण कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर लॉट साइज की तो मिनिमम मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स आएंगे, 1,08,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स आएंगे और 2,16,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईपीओ आने के पहले 96.12% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास थी, आईपीओ आने के बाद कितनी बचेगी यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी आईपीओ के बारे में। अब बात आती है ये आईपीओ कैसा रहेगा, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि चूंकि एसएमई आईपीओ है थोड़ा रिस्की तो रहते ही है। दोस्तों अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम करीब करीब अब 35 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 54 रुपए का जो शेयर है 35 रुपए के प्रीमियम के साथ करीब 89 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। करीब करीब यहाँ पर 60-70% के आसपास अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी नई है तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो इसमें डबल ट्रिपल इस तरीके का भी मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी बढ़िया फाइनेंशियल है और लगातार पिछले 3 साल से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो अगर ये प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका असर आपको शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने की उम्मीद यहां पर देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में भी प्रीमियम लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहें तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप कुछ भी करते हैं प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद ही होंगे। तो ये मेरा व्यू है इस आईपीओ को लेकर। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर हम समय समय पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालते रहते हैं। धन्यवाद।